नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है निर्जल अकाशी के व्रत का पारण का समय क्या है और व्रत क्या चीज़ खाकर खोलें। निर्जल अकाशी के दिन दान क्या क्या कर सकते हैं, क्या दान अकाशी और द्वादशी के दोनों दिन कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं निर्जल अकाशी पर किन किन चीज़ों का हम दान कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार निर्जल अकाशी पर दान करने का विशेष महत्व है। निर्जल अकाशी पर दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। निर्जल अकाशी पर किसी ब्राह्मण या गरीब या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को बिस्तर, वस्त्र, छाता, पंखा, जूता, चप्पल दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करना उत्तम माना जाता है। क्या दान अकाशी और द्वादशी दोनों दिन कर सकते हैं? जी हाँ, आप अकाशी और द्वादशी दोनों दिन में दान कर सकते हैं। आप अपने समर्थ के अनुसार दान दोनों दिन कर सकते हैं और द्वादशी के दिन आपने पारण के पहले आपने दान करना होगा। आप बात करते हैं व्रत के पारण का समय क्या है। व्रत के पारण का समय है 22 जून 2021 दिन मंगलवार को। व्रत खोलने का समय है सुबह 5:24 से सुबह 8:12 तक का, और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है सुबह 10:22 तक का। अगर आप किसी कारणवश सुबह 8:12 तक व्रत का पारण ना कर पाए तो आप 10:22 से पहले आपको व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। व्रत आपने किस चीज़ को खाकर खोलना है। 22 जून को आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। उसके बाद जो आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल की मिठाई का भोग लगाया है उससे भी आप व्रत खोल सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद तिल और काले तिल से भी व्रत खोल सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनसे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अकाशी व्रत का पारण अलग अलग चीज़ों को खाकर करना चाहिए, इसका विधान बताया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रिय चीज़ों में से एक चीज़ है तिल। तिल खाकर ही आपको व्रत खोलना चाहिए। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को सफ़ेद तिल अर्पित करते हैं तो आप पर भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं।